हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज हम मैट बनाएंगे। ये देखिए, मैं मल्टी कलर में बनाऊंगी, बहुत ही प्यारा सा कली वाला मैट बनाऊंगी। उसके लिए देखिए, मैंने ये पट्टी ले ली है। ये देखिए, आपके पास जो भी कलर है आप वही कलर ले लें। ये मेरे पास, आप जितने भी कलर आपके पास, अलग अलग कलर में कली बनाकर भी बना सकते हैं। तो देखिए, ये मैट बनाने के लिए मैंने ये चार कलर ले लिए हैं। और कलर भी अगर लगाना चाहें तो आप इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए, मैट बनाने के लिए हम फंदे डालते हैं। यहाँ पर देखिए, हम 12 फंदे डालेंगे। इस तरह से 12 फंदे हम इसमें नॉर्मल डाल लेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं इसमें फंदे डालूंगी। देखिए, पहले यहाँ पर हम एक नोट बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर इस तरह से नोट बना लेंगे, ऐसे यहाँ पर नोट बनाया, ऐसे। बहुत टाइट नहीं करेंगे हम इसे, इस तरह से रखेंगे। अब हम इसमें 12 फंदे डालेंगे। देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। देखिए, 12 फंदे डालेंगे हम इसमें, 2, 4, 6, 8, 10, 12। 12 फंदे देखिए हम इसमें कली के लिए डालेंगे और 6 फंदे हम अलग से डालेंगे। देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12। 12 ये डालें और 2 ये, 3, 4, 5, 6, इस तरह से हम 6 फंदे डाल लेंगे। ये हमने यहाँ पर 18 फंदे डाल लिए हैं इस तरह से। देखिए, यहाँ पर ये मैंने 18 फंदे डाल लिए हैं। ये 12 फंदे हमने कली के लिए डाले हैं और 6 फंदे एक्स्ट्रा डाले हैं। जो ये हमने 12 फंदे डाले हैं, यहाँ पर उसके हम आधा फंदा डालेंगे। जैसे 12 डाले हैं या तो यहाँ पर 6 डालेंगे। अगर आप इसमें 20 फंदे डालें तो यहाँ पर आप 10 फंदे डाल लें। इसे जितना बड़ा बनाना चाहे उसे 2 के मल्टीपल में आप जितने भी फंदे यहाँ डालें उसके आधे फंदे यहाँ पर डाल लें। तो इसी तरह से देखिए, इस मैट को बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है इसे बनाना। देखिए, इसको हम निकाल लेंगे। देखिए, इस तरह से फंदे अगर डालते हैं तो पहली सिलाई थोड़ा सा आराम से उतारते हैं, इस तरह से, ऐसे आराम आराम से निकाल लेते हैं पहली सिलाई को हम, ऐसे। सभी फंदे उल्टा उल्टा बुनते हुए, आराम से इस रो को निकाल लेंगे। इस तरह से देखिए, आराम से निकालेंगे इस रो को हम, ऐसे।
थे ऐसे पूरी रो को उल्टा उल्टा हमने बना लिया है। ये हमारी उल्टी साइड है और यहाँ पर हमारी सीधी साइड है। देखिए सीधी साइड से हमें यहाँ पर दो फंदे का एक फंदा बना लेंगे इस तरह से, दो फंदे लिए। और देखिए जो ये पट्टी है हमारी, इसे इसके बीच में ऐसे लपेट लेंगे ऐसे, ठीक है। और इस तरह से दो का एक बना लेंगे। देखिए ऐसे लपेटेंगे ताकि हमारा ये जोड़ जो है यहाँ पर दिखाई ना दे, और इस तरह से दो का एक बना लेंगे। बाकी सभी फंदे उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे, उल्टा निकाल लेंगे सभी फंदों को ऐसे। ऐसे बनाएंगे, बहुत ईजी है। और ये कली वाला कलरफुल मैट बन के आएगा। आप इसे सिंगल कलर में भी बना सकते हैं, दो कलर में भी बना सकते हैं, आप इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। ऐसे ही देखिए इस रो को निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर दो फंदे हम छोड़ देंगे और वापस यहीं से मुड़ जाएंगे इस तरह से। इस फंदे को हम उतारेंगे ऐसे और ऐसे पूरी रो उल्टा उल्टा बुन लेंगे ऐसे। बहुत ही इजी है इसे बुनना, बिगनर भी इसे आसानी से बुन सकते हैं। उसके लिए देखिए आपको वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए ऐसे। इस तरह से देखिए, लास्ट तक देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये कैसे बना है। देखिए इस तरह से। अब देखिए हम यहाँ पर फिर से दो का एक बनाएंगे ऐसे। ऐसे दो का एक बनाएंगे और पूरी रो उल्टा उल्टा उतार देंगे ऐसे, दो फंदे लास्ट के छोड़ेंगे और देखिए इसे इस तरह से लपेट लेंगे ऐसे। और ये दो फंदे हमने पिछली बार छोड़े थे, दो फंदे अब छोड़ेंगे और वापिस यहीं से मुड़ जाएंगे ऐसे। और इस फंदे को उतार लेंगे ऐसे ही। बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही सुंदर सा हमारा मैट बन के आएगा। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो बताने का तरीका अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।
अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर किया कीजिए, देखिए, और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि आपको मेरा प्यारा सा डोरमैट कैसा लगा। देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर तीन फंदे घटा लिए हैं, एक फंदा यहाँ घटाया, दो तीन, तीन फंदे घटा लिए हैं। और अब इस रो को उतार लेंगे दो फंदे छोड़ने तक। देखिए ऐसे, देखिए दो फंदे हमने एक बार छोड़े, दो फंदे और दो फंदे अब की बार छोड़ेंगे और वापिस यहीं से मुड़ जाएंगे। ऐसे इस फंदे को उतारेंगे ऐसे और पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब यहाँ पर फिर से दो का एक बनाएंगे ऐसे ऐसे, और बाकी सभी फंदे उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे। दो फंदे देखिए अब की बार छोड़ देंगे, दो चार छ आठ, आठ फंदे हमने छोड़ दिए हैं यहाँ पर। इस फंदे को उतारेंगे और बाकी सभी फंदे उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे। देखिए फिर से एक फंदा दो का एक बनाएंगे यहाँ पर। ये हमने पांच फंदे घटा लिए हैं यहाँ पर, और देखिए इस फंदे को वापस इसे छोड़ेंगे और इन तीन फंदों को ऐसे बना लेंगे। देखिए इस तरह से, फिर से देखिए दो का एक बनाएंगे ऐसे, ऐसे। देखिए यहाँ पर ये दो चार छ आठ दस और बारह, बारह फंदे हमारे यहाँ पर बच गए हैं इस तरह से। तो देखिए अब हम इस पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे, इस फंदे को उतारेंगे और इन सभी फंदों को ऐसे उल्टा उल्टा बना लेंगे लास्ट तक ऐसे। और इस फंदे को देखिए हम ऐसे ही उतार लेंगे धागा से, पीछे की साइड करेंगे और इसे उतार लेंगे इस तरह से। देखिए ऐसे, अब देखिए यहाँ पर हम दूसरा कलर ऐड कर लेंगे, ये सेकंड कलर। इस तरह से, और जो ये फंदा हमने छोड़ा था इस फंदे को ऐसे बना लेंगे ऐसे। और इस पट्टी को टाइट कर लेंगे, ये पूरी रो हम उल्टा उल्टा बनाएंगे ऐसे। इस पट्टी को साथ में दबाते हुए चलेंगे ऐसे।
देखिए, जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी उल्टी उल्टी, उसी तरह से हम इस पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे ऐसे। देखिए इस तरह से बन के आएगा। ये हमारे 12 फंदे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, जो 12 फंदे हमने यहाँ पर डाले थे उसी तरह से 12 फंदे हमने ये यहाँ पर रख लिए हैं इस तरह। अब हम इसमें 6 फंदे बनाएंगे, डालेंगे, जैसे हमने उसमें एक्स्ट्रा जो 6 फंदे डाले थे। देखिए 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे डाल लिए। देखिए इस तरह से यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर हम 2 का 1 बनाएंगे ऐसे। ऐसे देखिए 2 का 1 बनाएंगे इस तरह से। बाकी फंदों को देखिए हम थोड़ा सा आराम से निकालेंगे, क्योंकि इस तरह से जब हम फंदे डालते हैं तो हमारे फंदे थोड़ा सा लूज हो जाते हैं, और इन फंदों को हम आराम से निकालेंगे ऐसे। ऐसे निकाल लेंगे देखिए, और बाकी सभी फंदे हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए ये 2 फंदे हम छोड़ेंगे और वापस यहीं से मुड़ जाएंगे इस तरह से। जैसे हमने ये वाली कली बनाई थी बिल्कुल उसी तरह से सेम बनाते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस फंदे को हम उतारेंगे ऐसे, तो ये देखिए यहीं से इस फंदे को ऐसे उतारा ऐसे, और बाकी सभी फंदे हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। और इस पट्टी को देखिए साथ में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ऐसे। ऐसे फोल्ड कर लेंगे। और पूरी रो उल्टा निकाल लेंगे ऐसे। ऐसे। देखिए इस तरह से। अब देखिए फिर से हम 2 का 1 बनाएंगे यहां पर। और पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे।
दो फंदे छोड़ने तक देखिए हम उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे। देखिए दो फंदे हमने पिछली बार छोड़े, दो फंदे हम अब की बार छोड़ेंगे और वापस यहीं से मुड़ जाएंगे। पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए यहाँ पर फिर से हमने इस पट्टी में यहाँ तक देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और ये 10 फंदे हमने छोड़ दिए हैं और यहाँ पर हम 6 फंदे घटा लिए हैं और यहाँ पर हम 12 फंदे इस साइड से छोड़ते हुए आएंगे और यहाँ से 6 फंदे घटा देंगे। तो देखिए ये हमारा 6 फंदे यहाँ पर इस तरह से हमने घटा दिए हैं देखिए यहाँ पर, और इस फंदे को हम ऐसे बनाएंगे ऐसे, देखिए ऐसे बन के आएगा। वापिस इन दो फंदों को ऐसे बना लेंगे ऐसे। देखिए ये दो दो करके हमने यहाँ पर 12 फंदे छोड़ दिए हैं ऐसे, और यहाँ पर हमने 6 फंदे घटा दिए हैं और यहाँ से 12 फंदे छोड़ दिए हैं। तो अब देखिए इस रो को हम उल्टा उल्टा इस फंदे को उतारा पट्टी को आगे करेंगे इस तरह से, और देखिए यहाँ पर ये हमारा जो गैप है इसे भरने के लिए हम यहाँ पर देखिए इस पूरी रो को हम उल्टा उल्टा सभी फंदों को जो हमने 12 फंदे छोड़े थे उन फंदों को इस रो में बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने दो कली आपको बनाना बता दी हैं, तो इसी तरह से बनाते हुए आपने इस पूरे मैट को कंप्लीट करना है। ये इस फंदे को हम ऐसे ही निकाल लेंगे, ऐसे इस फंदे को हम एक ही बार बनाते हैं, एक बार ऐसे ही उतार लेते हैं। तो देखिए अब हम इसमें दूसरे कलर के पट्टी लगा लेंगे, जो भी कलर जितने भी कलर आप इसमें लगाना चाहें उतने ही कलर लगा लें, बनाने का पैटर्न सेम रहेगा जो भी कलर आप लगाएं। यहाँ से देखिए हमने 12 फंदे डाले, 6 फंदे एक्स्ट्रा डाले, एक्स्ट्रा फंदे डालने के बाद हमने एक रो ऐसे ही निकाल ली और यहाँ से 6 फंदे घटा दिए हमने और यहाँ से दो दो करते हुए यहाँ पर 12 फंदे हमने छोड़ दिए। इसी तरह से बनाते हुए हमने इस पूरे मैट को कंप्लीट करना है, ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे और इस पूरे मैट को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस मैट को देखिए मैं आगे आपको बनाकर दिखाऊंगी। आप मैंने ये इस कलर से बनाई, एक पट्टी से बनाई, ऐसे ही आप कलियां बनाते हुए इसमें जितना मर्जी कलर लगा सकते हैं, जो भी कलर आपके पास है। आप इसे ऐसे ही दो कलर में भी बना सकते हैं और इसे आप मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। तो आपको जिस तरह से भी अच्छा लगे, दो कलर में अच्छा लगे तो आप इसे दो कलर में बना लें, अगर आपको ये सिंगल कलर में अच्छा लगे तो आप इसे सिंगल कलर में बना लें, और मल्टी कलर में अगर आप बनाना चाहें तो इसे आप मल्टी कलर में बना लें। बनाने का पैटर्न सेम रहेगा, इसी तरह से हम इस पूरे को कम्प्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह से बन के आएगा हमारा। ये देखिए आप इसे, अगर आपके पास बिल्कुल अलग अलग कलर है तो उन कलर से भी बना सकते हैं। ये रंग बिरंगा बहुत ही अच्छा सुंदर सा हमारा मैट बन के आया है। इसी तरह से जैसे हमने ये कली देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 कली बनाई है, यहाँ पर मैं 3 कली और बना ले। आप देखिए एक ही
अब आप कौन सा भी कलर लगा ले, ऐसे ही कलर लगाते हुए आप इसे कंप्लीट कर ले। देखिए मैंने इसमें ये कलर लगाए हैं, आपके पास जो भी कलर अवेलेबल हैं आप वही कलर लगा लें और बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही आसानी से बनने वाला हमारा मैट बन के आएगा, बहुत ही जल्दी बन के तैयार भी हो जाता है। और देखिए इसे अगर आप, ये मैंने 12 फंदों से बनाया है और 6 फंदे यहाँ पर एक्स्ट्रा लिए हैं। आप इसे 2 के मल्टीपल से जितना बड़ा बनाना चाहें उतना ही बड़ा इसे बना सकते हैं। इस तरह से बनाते हुए आप इसे देखिए ऐसे ऐसे बना ले इसे। इस तरह से आप इसमें अब जौन सा भी मर्जी कलर लगा सकते हैं। ये देखिए ऐसे बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा बन के आएगा। तो चलिए आप भी ट्राई कीजिए इस मैट को बनाना, बहुत ही सुंदर सा मैट है ये। इस तरह से